Hello everyone, in this video we'll be covering some important questions related to light. So stay tuned with us and I will be taking 10 questions and which are very important from the viewpoint of CBSE board. So the first one here is image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इमेज है जो कैंडल फ्लेम की वो दूसरी साइड पे बनेगी और एक साइड पे आपका ऑब्जेक्ट होगा. दूसरी चीज इन्होंने बोली है, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, एक तरीके से 3 times बोला है इन्होंने. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है लेंस और इमेज के बीच में, विच इज नथिंग बट वी दिया हुआ है हमें कि वी कितना है आपके पास, 80 सेंटीमीटर. एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. तो इसका मतलब हमें निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है. What is the nature of the image at a distance of 80 centimeter and the lens? अब यार जब आपको यहाँ पे इन्होंने magnification दिया हुआ है, v दिया हुआ है, आप u definitely find out कर सकते हो magnification के formula से. But सबसे पहले आप ये सोचोगे कि कौन सा type of lens है यार. अब lens कौन सा है, हमें इसको मतलब predict करना पड़ेगा या assume करना पड़ेगा. मान लो कि आपका ये convex lens है और कन्वेक्स लेंस कौन सा टाइप ऑफ इमेज देते हैं हमें, ज्यादातर हमें रियल इमेज मिलती है फॉर श्योर. अब कन्वेक्स लेंस के केस में हमें रियल इमेज तो मिल जाएगी, इसका मतलब हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया, इट वुड बी -3. वी हमें दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज नथिंग बट वी ओवर यू. मैग्निफिकेशन की जगह -3 पुट करोगे, वी की जगह 80 पुट करोगे, यू की जगह आपने फाइंड आउट करना है. यू आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय -3 विच इज -26.67 सेंटीमीटर. यू आ गया आपका, वी आपके पास आ गया, मैग्निफिकेशन आपको पता है कि कितना है, -3. अब यहाँ पे हमें वेरीफाई ये करना है कि कन्वेक्स लेंस सही भी हमने चूज किया है या नहीं किया, अज्यूम किया है. क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि हमें रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज मिलेगी. कौन से केस में, जब हम इसको F1 और 2F1 के बीच में प्लेस करते हैं. ऐसे ही कुछ डायग्राम बनता है ना हमारा यहाँ पे, और इट विल बी इंटरसेक्टिंग समवेयर हियर. तो हमारा इमेज कैसा हो गया, राइट साइड पे इनलार्ज हो गया. इनलार्ज है, दूसरा रियल है और दूसरा इन्वर्टेड है. ठीक है, अब वेरिफिकेशन करना है तो लेंस फॉर्मूला यूज करोगे विच इज 1/F इज इक्वल टू 1/V -1/U. अब 1/V 180 रखोगे और u की जगह क्या रखोगे, -80/3. माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस आ जाएगा, तो आपके पास बीच में तो 180 + 80/3 आ गया. अब दूसरा काम इस केस में हमें ये करना पड़ेगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम कितना हो जाएगा 80 और 3 का, इट वुड बी 240. पहली वैल्यू आपकी 3 हो गई, दूसरी वैल्यू आपकी 6400. अब 6400 को 3 से ऐड करोगे, 6403 डिवाइडेड बाय 240. अब इसका मतलब क्या है कि द एलसीएम हेयर वुड बी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है. इट वुड बी 3 वुड बी अबव एंड 80 वुड बी डाउन. ठीक है, सो ये आ गया 3/80. तो जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/80. 4/80 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 1/20. तो अगर 1/F आपका 1/20 आ रहा है तो फोकल लेंथ आपका कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कंफर्म होता है इट इज अ कन्वेक्स लेंस, राइट. सो दिस वुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.